काफी समय से हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर का विपक्ष नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दौरा किया है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मणिपुर की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी मणिपुर को अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे में मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज तक चैनल की इस डिबेट में भी यही देखने को मिला। क्या ये पूछा नहीं जाएगा, ये जो चित्र खिंचवाना, फोटो ऑफ पॉलिटिक्स होती है, गिप्त राजनीति होती है, राहुल गांधी हमेशा ऐसा ही कृत्य क्यों करते हैं? ठीक है, अब जवाब सवाल आज जनता पूछ रही है संसद में। इनको भाग लेना चाहिए था, सुझाव देने चाहिए थे, आलोचना करनी चाहिए थी। आलोक जी, उनका दो पक्ष है, वो कह रहे हैं कि जब संसद में राज्यसभा में पीएम बोल रहे थे तब विपक्ष ने वॉकआउट किया, उस दिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भी जवाब दिया, और दूसरी बात वो फोटो ऑप क्यों उठा रहे। मेरा प्रश्न आपसे भी वही है कि क्या ये मरहम है मणिपुर में जो दर्द है उस पर, या फिर सियासत गरम है? आलोक जी, अगर आपने आज तक की इस डिबेट का हिस्सा देखा हो तो आपको स्क्रीन पर ये टिकर भी नजर आए होंगे। चैनल ने मणिपुर पर मरहम या सियासत गरम, नया घमासान राजनीति का फुल प्लान, मणिपुर में कौन डाल रहा है आग में घी जैसे टिकर चलाते हुए राहुल गांधी पर मणिपुर स्थिति को लेकर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। वहीं टाइम्स नाउ चैनल पर भी एंकर ने मोनोलॉग में विपक्ष और राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के रूस दौरे पर अब से थोड़ी देर में मॉस्को पहुंचने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से लगता है विपक्ष को आपत्ति हो रही। प्रधानमंत्री का यह आधिकारिक दौरा है, लेकिन विपक्ष पीएम दौरे को लेकर अलग ही सियासत कर रहा है। विपक्ष के नेता तो ये तक दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के दौरान उनकी सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस प्रधानमंत्री के रूस दौरे पर सवाल उठा रही है और राहुल गांधी के आज के मणिपुर दौरे से इसे जोड़ने लगी है। राहुल गांधी 13 महीने में तीसरी बार मणिपुर के दौरे पर है। कांग्रेस पूछ रही है कि पीएम कब जाएंगे। मणिपुर में हुई हिंसा पर विपक्ष बार बार मोदी सरकार पर सवाल उठाता आया है, लेकिन यही राहुल गांधी बंगाल में जाना तो दूर, महिलाओं पर हुए अत्याचार पर एक शब्द भी नहीं बोलते। मणिपुर की आवाज उठाना ठीक भी है, लेकिन सवाल तो है कि क्या बंगाल में अत्याचार राहुल गांधी और एनडी गठबंधन को नहीं दिखता क्या? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट। शो के दौरान स्क्रीन पर कुछ इस तरह के टिकर चलाए गए, मोदी रूस चले, विरोधी क्यों जले, कांग्रेस के एलओपी राहुल को देश का पीएम मान रही, मोदी मॉस्को, राहुल मणिपुर दौरे पर सियासत फुल, मोदी का मॉस्को दौरा राहुल को इतना क्यों खला, 13 महीने में मणिपुर तीसरी बार, बंगाल कब जाएंगे। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा ने शो शुरू होते ही ये कहा। लेकिन अब राहुल गांधी की एक और बात को लेकर बड़ा विवाद, मणिपुर पहुंच गए राहुल गांधी, जिसको लेकर कहा जा रहा है तमिलनाडु तो नहीं गए, बंगाल तो नहीं गए, मणिपुर पहुंच गए, तो मणिपुर पर मरहम या मौका, अब बात इसकी। वहीं शो के दौरान मणिपुर पर मलहम या मौका, राहुल का दौरा सियासी मौका जैसे टिकर चलाए गए। हालांकि इन सब के बीच राहुल गांधी ने मणिपुर दौरे को लेकर ये बयान दिया था। 1 साल पहले आया था, और अब आया हूँ, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं? हाँ, घर जाना चाहते हैं हम लोग, हमें घर में रहना है। ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? हमने आपकी बात उठाई, एक बार नहीं 2-3 बार हमने पार्लियामेंट में बोला, इन्होंने बोला, सब एमपीज ने बोला, कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में मणिपुर की बात उठाई, और हम दबाव डाल सकते हैं और हम पूरा दबाव डालेंगे। 5 दिन सोया है घर में अपना घर। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं रेस कर सकता हूँ, मैं दबाव डाल सकता हूँ, मगर मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि कब आप वापस जाएंगे, क्योंकि ये सवाल सरकार दे, अगले सेशन में आप देखना, मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। देखने वाली बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर आरोप लगाए, लेकिन मीडिया ने भी इन दावों को आगे बढ़ाने का काम किया। मीडिया ने भाजपा के आरोपों को स्क्रीन पर चलाते हुए कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं किया कि ये सवाल बीजेपी के हैं। ये व्यूअर्स को गुमराह करने का एक उदाहरण है।
सत्ता पक्ष की बातें इस तरह से पेश करना मानो कि ये मीडिया अपनी तरह से पेश कर रहे हो। मीडिया का काम है घटित घटनाओं को ज्यों का त्यों पेश करना, लेकिन अगर वो उसमें अपनी ओर से कहानियां पेश करने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है।